हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 5-6 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनाना सिखा रहे हैं, जिसमें हमने ऊपर की साइड फ्रिल लगा दिया है। ये वन कट अम्ब्रेला फ्रॉक है। इसमें हमने 1.75 सेंटीमीटर फैब्रिक यूज़ किया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो पीस ले लिए हैं, जिसकी लेंथ 31 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 31 इंच है। अब हम इसको ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेते हैं। फोर लेयर यहाँ पर हमारी हो गई है। शोल्डर इसका हमें 5 इंच रखना है। ऐसे करते हुए हम इस पर निशान लगा लेते हैं। आर्म होल की लेंथ भी हमें इसकी 5 इंच रखनी है। यहाँ पर हम सीधा निशान लगा लेते हैं। चेस्ट की चौड़ाई हमें इसकी 7.5 इंच रखनी है। यहाँ से चकोर निशान हम लगा लेते हैं। आर्म होल में गोलाई कर देते हैं। नेक की चौड़ाई यहाँ पर हमें इसकी 2 इंच रखनी है और लेंथ में हमें इसको 3 इंच रखना है। ऐसे करते हुए हमें इसमें गोलाई कर देनी है। वेस्ट हमें इसकी 7 इंच रखनी है और वेस्ट लाइन हमें इसकी 5 इंच रखनी है। ऐसे ऊपर के निशान से बीच के निशान से को हम मिला लेते हैं। अब इसको बीच के निशान से नीचे तक हम इसको ऐसे तिरछा करते हुए मिला लेते हैं। टोटल लेंथ हमें इसकी 27 इंच रखनी है, तो 27 इंच पर ही हम सब जगह इसमें निशान लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसमें निशान लगा लिए हैं। अब हम इन निशानों को मिला देते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसका कट कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आर्म होल और नेक भी हम इसका कटिंग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी प्यारा सा ये घेरा इसका कितना ज़्यादा बन गया है। अब हम इसमें से एक पीस अलग कर लेते हैं और एक पीस में से हम यहाँ पर 3 इंच का बैक नेक कट कर लेते हैं, जिससे बेबी को पहनाने में परेशानी ना हो। ये यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और लेंथ में ये 4 इंच है। बीच से हम इसको 3 इंच का कट कर लेते हैं और यहाँ पर रख कर हमें इसको लगाना है। ये हमारा फ्रंट का नेक है, फ्रंट पीस है, और बैक पीस भी में भी हमें इसी तरीके से शोल्डर पर सेंटर साइड में मार्क लगाना है और लेंथ में इसको बिल्कुल सीधा करते हुए 11 इंच तक लगाना है। यहाँ पर हम इसमें फ्रिल लगाएंगे, तो दोनों पीस पर हमें इसमें निशान लगा लेने हैं सीधे, जिससे हमारा फ्रिल लगाने में परेशानी ना हो। ये देखिए, दोनों निशान हमने लगा लिए हैं। अब दूसरे पीस में भी हम ऐसे ही बीच शोल्डर पर से निशान लगा लेते हैं और लेंथ में हमें इसको 11 इंच लगाना है। यहाँ पर हमें सीधा निशान इसमें लगा देना है। ये हमने यहाँ पर दो फ्रिल ले ली हैं, जिसकी लेंथ 4 इंच है और चौड़ाई में ये 60 इंच है। आप थोड़ा कम फ्रिल भी इसमें ले सकती हैं। एक साथ जुड़े हुए हमारे ये फ्रिल हैं। यहाँ से हम 1 इंच का इसमें निशान लगा देते हैं और ऐसे करते हुए इसमें गोलाई कर देते हैं। अब हमें इसको कट कर देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक। एक साइड से हमें फ्रिल को गोलाई में फोल्ड करना है, तो हमने इसमें नीचे की साइड दोनों पीसों में अपने गोलाई कर दी है। यहाँ से हमें इसमें फोल्ड करना है और इस जगह से चुन्नटें डालनी हैं। ये हमने रेब की पाइपिंग ली है नेक में और आर्म होल में लगाने के लिए, जिसकी चौड़ाई 1 इंच है। फ्रेंड्स, पाइपिंग हमारी फुल रेब की होनी चाहिए। सबसे पहले हम अपने फ्रिल को फोल्ड कर लेते हैं। जिस साइड से हमारा फ्रिल का सीधा हिस्सा है, उस साइड से हमें इसको फोल्ड करना है और गोलाई वाले हिस्से में हमें इसके चुन्नटें डालनी हैं। ऐसे ही हम अपने दोनों फ्रिल को फोल्ड करके तैयार कर लेते हैं। फ्रिल हमने फोल्ड करके तैयार कर लिया है। अब इसके गोलाई वाले हिस्से में ऐसे करते हुए हमें बारीक बारीक सी चुन्नटें डालनी हैं।
फ्रेंड्स ये चुन्नटे आप धागे की भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमने दोनों फ्रिल में अपने चुन्नटे डालकर इनको तैयार कर लिया है। अब हम बेक नेक अपना तैयार कर लेते हैं। यहाँ से पलटकर हमें इसमें वी शेप कर देनी है। बीच में हमें इसके हल्का सा कट लगाना है। कट लगाते समय ध्यान रखें कि आपकी सिलाई कटे नहीं। सब फैब्रिक इस पट्टी के नीचे की साइड को करते हुए हमें इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगानी है। अब हमें इसको फोल्ड कर देना है। नीचे की साइड से भी हमें इसको फोल्ड करना है और दूसरी साइड से भी हम इसको चकोर करते हुए फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है। अब दोनों पीस हम अपने एक साथ मिला लेते हैं और शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, जिससे जब हम इसमें साइडों में आर्म होल में पाइपिंग या स्लीव्स और नेक में लगाते हैं तो ये खुलते नहीं हैं। ये आर्म होल की पट्टी है जो हमने रेब की पट्टी काटी हुई थी। इसको पट्टी को हमें अंदर की साइड को फोल्ड करना है, इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा ढीली छोड़ते हुए लगानी है। बिल्कुल भी किसी जगह से खींचना नहीं है। इसके बाद इसमें हल्के हल्के से हमें कट लगा देने हैं ताकि अंदर की साइड को पलटने में इसको परेशानी ना हो। अब सब फैब्रिक इसमें अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए पट्टी में और इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है, जिससे इस पट्टी को मोड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। सिर्फ पट्टी ही हमारी अंदर की साइड को जाएगी, फ्रॉक का फैब्रिक नहीं जाएगा। ये देखिए अब हमें इसको ऐसे करते हुए फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी सी हमारी पट्टी बन गई है। ऐसे ही हमें दोनों पीसों में पाइपिंग लगाकर तैयार कर लिया है। ये हमने जो फ्रिल के लिए निशान लगाए थे, फ्रिल हम अपने तैयार कर लिया है। इसको हम यहाँ पर सेंटर पर हल्का सा कट लगा लेते हैं या चौक का निशान भी आप लगा लेते हैं और सेंटर से नीचे की साइड मिलाते हुए इसको निशान से हमें इस फ्रिल को लगा देना है। नीचे की साइड से सबसे पहले हम इस फ्रिल को पक्का कर लेते हैं, जिससे ये खुले नहीं, और फिर इस निशान पर ही फ्रिल को रखते हुए सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स नीचे का फ्रॉक का फैब्रिक हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, क्योंकि ये हमारी वन कट अम्ब्रेला फ्रॉक है जिसमें रेब आ जाती है, तो ये खींचकर ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने इस फ्रिल को लगाकर तैयार कर दिया है। अब हम इसको ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर इस पर मशीन के एक पैर की सिलाई लगा देते हैं, जिससे हमारा फ्रिल बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। चुन्नटों को सेट करते रहना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने फ्रिल की चुन्नटें सेट करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है। यहाँ से भी पक्का करते हुए हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा ये फ्रिल लगकर तैयार हो गया है। इस साइड में भी दूसरा फ्रिल हम ऐसे ही लगा लेते हैं। दोनों फ्रिल हमारे यहाँ पर लगकर तैयार हो गए हैं। आर्म होल में भी हमने पट्टी लगा ली है। अब हम इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं। दूसरी साइड में भी हमें इसकी फिटिंग की ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा नीचे का घेरा है, नीचे के घेरे को हमें फोल्ड कर लेना है।
फ्रेंड्स आप अपनी बेबी के हिसाब से भी इस घेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोल्ड कर सकती हैं। अंदर की साइड को फैब्रिक करते हुए पूरी फ्रॉक में हमें घेरा तैयार कर लेना है। अब हम इसके किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं। दो सिलाई से हमने ये घेरा तैयार हो किया है। ऐसे करते हुए हमारी ये फ्रॉक कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉक हमारी बनकर तैयार हो गई है। फ्रिल का डिज़ाइन भी इसका कितना ज़्यादा प्यारा आया है, और आप देख सकते हैं घेरा भी इसका कितना ज़्यादा बन गया है, जो कि पहनकर बेबी के बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए डिज़ाइन के साथ।